brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अच्छा ये बताइए, पढ़ाई करते थे, खेल वेल करते थे, नहीं करते थे? कभी कभी खेलिया करते थे। क्या खेलने में पसंद है? जैसे बैट बॉल खेलिया करते थे दोस्तों के साथ। बैट बॉल खेलते थे तो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी भी होगा जो बहुत पसंद होगा? जी थे, लेकिन मैच कम देखते थे इसलिए। मैच कम देखते, मतलब खेलने में क्रिकेट, पढ़ने में गणित, तो रुचि के लिए देख लेते थे। ये रुचि के लिए है और टाइम पास के लिए। राजनीति में जो दल होते हैं वो हमारे देश को, जो शासन व्यवस्था उसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हम अपने देश की जो हम अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। और मैं जो अभी मई में मतदान होने वाला है उसमें सभी लोगों को यह कहना चाहूँगी, जो वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अधिक उम्र रखते हैं, वे अपनी जो वोट है वो ऐसे व्यक्ति को दें जिससे उनको लगता है कि हाँ ये हमारे समाज से रिलेटेड वर्क करेंगे। होनहार विनवान के होत चीखने पात, ये कहावत तो वैसे आप सबने सुनी होगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम जिन दो होनहारों की बात कर रहे हैं वो मेरे सामने हैं, जिनमें एक हैं शुभम वर्मा, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षा है उसमें इंटरमीडिएट में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है, और दूसरी मेरे साथ एक बिटिया है, इस बिटिया का नाम है प्राची निगम। प्राची निगम जो हैं इन्होंने हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम स्थान पूरे उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया है, और ये अजब इत्तफाक है कि ये दोनों बच्चे सीतापुर में उस महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज के हैं जो इस तरीके के इतिहास पहले भी तमाम बार बना चुका है। इस बार भी इस विद्यालय के 19 बच्चे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो सूची है, मेरिट लिस्ट है, उसमें आए हैं। हम बात की शुरुआत करते हैं प्राची से, छोटे से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि ये कुछ बड़ी बात ऐसी कहेगी जिससे एक इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगी। प्राची सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? थैंक यू सर, तो पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने यूपी में टॉप किया है, और सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और इस मोस्टली टीचर्स का गाइडेंस रहता है, और टीचर्स जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी कोई भी टॉपिक है, हम लोग जैसे जो भी टॉपिक नहीं आता हो तो उसको जब अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। हम शुभम का पहला रिएक्शन जानेंगे। शुभम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जी सर, पहले हमें अच्छा लग रहा है, पढ़ते वक्त ज़्यादा अच्छा लगा था या आज जब इस परीक्षा का परिणाम आपके सामने आया है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। क्या पढ़ने में अच्छा लगता था, कुछ बताएंगे? जी हमको मैथ ज़्यादा अच्छी लगती थी पढ़ने में। मैथ अच्छी लगती है जी। मैथ, इसका मतलब आपका जो रुचि है इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ने की भी होगी जी। क्या करना चाहते हैं आगे? जी पहले तो हम जेई में पेपर दे चुके थे, लेकिन पहले जेई से फिर आईएएस बनने की तैयारी करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के थ्रू आप आईएएस में जाना चाहते हैं, आईएएस के लिए ही क्यों आपने ऐसी बातें सोची? क्योंकि हम उसी से देश की सेवा करना चाहते हैं। उसी से देश की सेवा करना चाहते जी। प्राची आप क्या कहना चाहती हैं, और कौन सा सब्जेक्ट प्रिय है और क्या बनने की इच्छा है? मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय सब्जेक्ट मैथ्स है, और मुझे साइंस भी पसंद है। मुझे मोस्टली हाई स्कूल के नंबर गेन करने के लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी में टाइम देना पड़ता है, और मैं आगे भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हूँ और साथ में सोशल वर्कर भी करना चाहती हूँ। सोशल वर्क जी। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई करते थे, खेल वेल करते थे, नहीं करते थे? कभी कभी खेलिया करते थे। क्या खेलने में पसंद है? जैसे बैट बॉल खेलिया करते थे दोस्तों के साथ। बैट बॉल खेलते थे तो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी भी होगा जो बहुत पसंद होगा? जी थे, लेकिन मैच कम देखते थे इसलिए। मैच कम देखते जी, मतलब खेलने में क्रिकेट, पढ़ने में गणित, तो रुचि के लिए देख लेते थे। ये रुचि के लिए है और टाइम पास के लिए जी। एक चीज और, आपको अगर दो लाइनों में ये कहना हो कि हिंदुस्तान प्रदेश की मेरिट में अच्छा स्थान पाने के लिए, अपने मार्क्स को और अच्छा बेहतर करने के लिए कोई बच्चा क्या करे, कितने घंटे पढ़े, कैसी पढ़ाई करें, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हम सभी को पता है कि मेहनत करनी चाहिए, और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी पर मोस्टली ध्यान देना पड़ता है। अगर एक सब्जेक्ट में मार्क कम हो रहे हैं तो फिर आपका परसेंटेज डाउन हो सकता है, और जो भी टीचर्स गाइडेंस स्कूल में करते हैं इतनी प्रिपरेशन हमारे स्कूल में करा दी जाती है कि जो बच्चा है वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके, और टीचर्स की बात को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप क्या महसूस करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि इसमें बच्चों के लिए क्या वो करें जो एक अच्छे नंबर पाएं? जो हमारे यहाँ टीचर्स बताएं उन्हीं से अनुसार चलें, जैसे जैसे जो बताएं ये पढ़ना चाहिए, इससे आता है,
वो पढ़ना चाहिए और अपने समय का ख्याल रखना चाहिए, समय अनुसार कार्य करना चाहिए। समय से कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता हर किसी को मिलती है जो समय से कार्य करते हैं। अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि सफलता उसको मिलती है जो समय से काम करता है। एक बात और, यहाँ पर हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर कोई आपका इंटरेस्ट है, क्या चल रहा है देश के राजनीतिज्ञों के लिए, कोई आपके मन में कोई सवाल आता हो क्या करें कि शिक्षा का स्तर सुधरे और बेहतर बने? अगर जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए शिक्षा की प्रावधान किया जाए तो उससे देश की उन्नति होगी। आप क्या कहना चाहेंगी हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों को, क्या कहना चाहेंगी एक इस सोच के बाद, इतनी उम्र में भी आप क्या सोच रखती हैं उनके लिए? जी, राजनीति में जो दल होते हैं वो हमारे देश को, जो शासन व्यवस्था उसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हम अपने देश की जो हम अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। और मैं जो अभी मई में मतदान होने वाला है उसमें सभी लोगों को यह कहना चाहूँगी, जो वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से अधिक उम्र रखते हैं, वे अपनी जो वोट है वो ऐसे व्यक्ति को दे जिससे उनको लगता है कि हाँ ये हमारे समाज से रिलेटेड वर्क करेंगे। और अगर आप वोट जरूर करिए और अपने जो भी आप सोचते हैं कि हाँ 5 वर्षों में जो नेता हमारे लिए अच्छे वर्क करता है उसके लिए वो कार्यरत रहे और हम उसी को वोट दें। अब तो वोटर बन गए होंगे? जी भी नहीं बने, अभी वोटर नहीं बने हैं। वोटर नहीं बने हैं लेकिन फिलहाल अपने युवा साथियों को वोट देने की सलाह दे रहे हैं ये दोनों मेधावी बच्चे। इन बच्चों के भविष्य और उज्ज्वल हों फिलहाल इस कामना के साथ यूपी तक के लिए अरविंद मिश्रा।